आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है आपको देख के समझ ही गया होगा इट इज अ क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग फ्रॉम द टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स तो आप बोलोगे हाँ ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है वॉट इजी भी है टॉपिक इज इट इट आपको सबको पता ही होगा सिर्फ हमें फॉर्मुलाज आने चाहिए

तो अभी एक चीज तो हम सबको पता है जब भी असोशन एंड रीजनिंग होता है इसमें चार ऑप्शन होते हैं हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ओके okay, इसके लिए दो स्टेटमेंट दिए हैं एंड रीजन तो कैसे सॉल्व करना है कैसे करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एक बात है ऑप्शन के बारे में हमें पता है कि यही ऑप्शन होते हैं तो इसका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता दैट मींस ऑप्शन विल रिमेन द सेम एंड द ऑर्डर आल्सो द सेम दैट मींस वी नीड नॉट वरी अबाउट द ऑप्शन ओके सो अप्रोच किया है स्टार्ट कैसे करना है बहुत इजी है फर्स्ट हमें असर्शन का स्टेटमेंट पिक करना है उसे देखना है वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ रीजन देखना है उसके साथ भी सेम करना है मतलब यू हैव टू चेक वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स ये हम करेंगे और उसके बाद अगर दोनों ट्रू रहा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ए और बी अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स रहा इफ एनी वन इज फॉल्स देन आर करेक्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम सी ऑर डी ओके बोलोगे चलिए पहला स्टेप तो करते हैं दैट मीन लेट्स टेक द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ओके स्टेटमेंट ऑफ असर्शन में क्या दिया है इट इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ओके यहां पर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं और इसके टोटल सर्फेस एरिया की बात कर रहे हैं

R की वैल्यू दी गई है और आर की वैल्यू दी गई है कितनी इट इज इजीन सो वी हैव द वैल्यू ऑफ ओके देन वीव दैल्यून हाइट इज थर्टी दीन्स हमें एच की वैल्यू दी गई है थर्टी सेंटीमीटर ये दो वैल्यूज हमें दी गई है आर की वैल्यू है और एच की वैल्यू ओके टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर थर्टी इन दोनों को यूज करके जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइन करते हैं इस सिलेंडर का वो हमें मिलेगा थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मीन वपोज टू डू यू फाइन द

याद रखना फॉर्मुलाज लिखना नहीं है हमें सिर्फ स्टेप्स भी नहीं लिखने हमें सिर्फ कैलकुलेशन चेक करना है तो यहां पे टाइमिंग के लिए मैं टोटल सरफेस एरिया डिनोट करता हूं टी एस ए याद रखना ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको लिखना तो है ही नहीं सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ओके वी नो इट इज नथिंग बट टू पाई आर इन टू ब्रैकेट आर प्लस एच करेक्ट ओके हम सिलेंडर की बात करें इसलिए टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर टू पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच ओके सो हम सब शूट करते हैं सॉल्व करते हैं टू वु रिमेन टू पाई की वैल्यू नहीं है मतलब हम क्या लेंगे ट्वेंटी टू अपॉन सेवन तो चलिए लिखते हैं वहां पे ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू आर की वैल्यू है फोर्टीन तो लिखते हैं फोर्टीन इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच दैट मीनस फोर्टीन प्लस एच की वैल्यू है थर्टी वेरी गुड तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं ना डू वी गेट आप बोलोगे कैंसिलेशन करते हैं सेवन वन सेवन टूज गेट ब्रैकेट के बाहर क्या टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू टू सो टू इंटू ट्वेंटी टू इज फोर्टी फोर फोर्टी फोर इंटू टू आप बोलोगे एटी एट वेरी गुड सो एटी एट इंटू ब्रैकेट में क्या है फोर्टीन प्लस थर्टी इज दैट इट इज फोर्टी फोर सो हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 88 44 तो 88 44 जस्ट लेट्स मल्टीप्लाई दिस लेट्स सी व्हाट डू वी गेट सो वी गेट फोर 4 8 32 3 कैरी फोर 4 8 32 3 इज़ 352 ब्यूटीफुल देन अ जीरो देन अगेन इट इज़ 88 4 ना सेम तो है अभी तो किया कितना है 352 तो सेम लिखिए 352 And now just add it up. What do we get? 2. 5 plus 2 is 7. 3 plus 5 is 8. And 3. What do we get? 3, 8, 7, 2. Wow. And that is what we got as the total surface area of a cylinder. And That, is that means I'm say, Yes, yes statement. Is true. Hey. Wow. That was easy. That means we got this assertion to be true. Simple tha. वेरी इजी राइट ओके सेड बहुत इजी था तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन अब रीजन में क्या दिया चेक करते हैं इट से रेडियस ओके रेडियस दिया है स्मॉल आर एंड स्मॉल एच बी दाइट ऑफ द सिलेंडर ओके सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल आर, सिलेंडर का हाइट है स्मॉल एच ओके देन द टोटल सर्फेस एरिया ओके अगर रेडियस आ रहे और हाइट एच है तो टोटल सर्फेस एरिया क्या है

प्लस टू पाई आर जो दिया है इसी से तो हम लेते हैं टू पाई आर कॉमन है सो इन टू ब्रैकेट यहां पे क्या बचेगा एच दूसरे टर्म में क्या बचेगा प्लस आर एंड दैट इज हाउ यू गेट द फॉर्मुला दैट मींस व्हाट दे हैव गिवन अस जो उन्होंने यहां पे दिया है वो सही है आप बोलोगे वाह ये तो ट्रू है ओके okay, एक चीज यहां पर असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है करेक्ट है एंड टेल मी क्या ये रीजन उस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यस yes, बिकॉज उस असर्शन में हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे सिलेंडर का यही तो फॉर्मूला यूज किया था तो यही तो रीजन है उसका दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में असर्शन इज ट्रू रीजन इज ट्रू एंड दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस असर्सन

हमें फॉर्मुलाज पता होना चाहिए और वो फॉर्मुलास कैसे आए ये भी अगर पता हो जैसे यहाँ पे टू पायर एच प्लस टू पायर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द टू सर्कल्स राइट सो दैट एप्लीकेशन एंड द फॉर्मूला एंड व्हाई इट हैज कम ये अगर हमें पता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेसिक्स बहुत स्ट्रॉ होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो कीप ऑन ऑन डूइंग मोर सम्स बेस्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक करते रहिए आप जितना करोगे आपको उतना इंटरेस्टिंग लगेगा और उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो जरूर करते रहिए और करते समय अगर कहीं पे भी आपको कुछ डाउट हो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो क्वेश्चन पोस्ट कीजिए ऑन द मेल आई डी विच आईव मैं यू बैक विद आंसर सो टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग वीडियो Keep liking the video, like the video, share the video and subscribe to the channel.